पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शाहदरा जोन में उपायुक्त अतीक अहमद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो डाल दी। इस ग्रुप में 12 महिला पार्षद भी हैं। इसके बाद आनंद विहार वार्ड से पार्षद गुंजन गुप्ता ने अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अतीक अहमद ने शाहदरा जोन में विकास के कामों की समीक्षा और सूचनाओं के लिए वार्ड्स कमेटी शाहदरा एस नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें करीब 50 सदस्य हैं, जिसमें जोन के सभी निगम पार्षद और अधिकारी शामिल हैं। ये सभी हैरत में पड़ गए जब उपायुक्त के नंबर से ग्रुप में अश्लील फोटो पोस्ट किया गया। उपायुक्त का दावा है कि उन्हें किसी अन्य ने ये पोस्ट भेजी थी और वह फोटो डिलीट कर दी है। इसी दौरान फोन हैंग हो गया और ये फोटो पार्षदों वाले ग्रुप में चली गई। उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें रात को ही ग्रुप के सभी सदस्यों से माफी मांग ली थी। उधर इस फोटो के चलते ग्रुप के सदस्यों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रुप में 12 महिला पार्षद भी शामिल हैं। इनमें से एक पार्षद गुंजन की शिकायत पर आनंद विहार थाने की पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और पार्षद से ग्रुप के फोटो मांगे हैं। उधर एक अन्य सदस्य हिमांशी पांडे ने भी शकरपुर थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि अगर क्लास 1 या आईएएस अफसर किसी सोशल साइट पर अश्लील पोस्ट करता है तो यह और भी ज्यादा आपत्तिजनक और आचरण के साथ सर्विस रूल का वायलेशन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए साइबर एक्ट के तहत ग्रुप में अश्लील पोस्ट करने वालों पर आईपीसी की धाराओं में भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। आरोप साबित होने पर 7 साल की जेल तक की सजा हो सकती है। इसमें ग्रुप का कोई भी सदस्य पुलिस में शिकायत कर सकता है और आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।